हाय एवरीवन, एफ इन फोर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर पटेल और जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली बहुत ही नज़दीक है और इस समय इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इनमें एक आइटम बहुत कॉमनली बिकता है। गैस करिए। जी हाँ, टाइटल से तो पता ही चल गया होगा, वो है एलईडी टीवीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलईडी टीवीज के बारे में। और जैसे कि जब भी आप एलईडी टीवी परचेस करने जाते हो, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से ही होती हैं और मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि और कौन कौन सी चीजें आपको ऐड करनी चाहिए उनमें, ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें और एक डिसाइड कर सके कि कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। लाइक कुछ चीजें आपने पहले से डिसाइड कर ली है, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टीवी आप लेने जा रहे हैं वो आपके यहाँ लगेगी कहाँ। तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ हॉल से रिलेटेड टीवी के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 43 इंचेस के टीवी के बारे में और आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए। और 43 इंचेस में भी एक और फिल्टर लगा देते हैं जो कि होगा 4K का, क्योंकि बहुत सारे टीवी 43 इंचेस में भी HD में आते हैं, तो आपको एक बजट रेंज में 4K टीवी मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो 4K टीवी में भी आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दो चीजों का आंसर तो दे दिया, लाइक कहाँ पर टीवी लगना है और टीवी का साइज क्या होगा। अब बात कर लेते हैं दो बड़े क्वेश्चन की कि कौन सी कंपनी का खरीदे और कौन से प्राइस का होना चाहिए। तो कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट कैसा है। लाइक बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो एक ही प्लांट पर बनती है बट उनके प्राइस अलग अलग होते हैं। लाइक मैंने आईटेल का रिव्यू करा था, आईटेल भी रेडियंट कंपनी बनाती है और वन प्लस का टीवी भी रेडियंट कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर आप आउट साइड में देख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट की कौन सी टीवी कहाँ बनती है और उनका मैन्युफैक्चर क्या होता है। तो कहाँ पर बनती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिपीट अगेन, फर्क पड़ता है हमको प्रोडक्ट क्वालिटी से। और दूसरी चीज़, जब आपने टीवी परचेस करके ला लिया है और बाई चांस टीवी परचेस करने के बाद में उसकी इंस्टॉलेशन कब हो रही है, कितने दिनों में हो रही है, ख़राब होगी तो कब सुधरेगी, मतलब आपकी बीवी को गुस्सा आए उससे पहले आपके यहाँ ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं ये मानता हूँ उसको सर्विस बोलते हैं, क्योंकि माय प्रीवियस कंपनी जो थी वो टेलीविज़न से रिलेटेड ही थी। तो इंस्टॉलेशन यदि लेट होती तो मैं जानता हूँ एक कस्टमर कितना हाइपर होता है टीवी को रिलेटेड। और लाइक जब भी आप दीपावली वाले सीजन में खरीदते हो टीवी तो इंस्टॉलेशन को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि एकदम से वॉल्यूम बढ़ता है। तो बेसिकली कुछ कंपनियाँ अपने नाम और अपनी सर्विस का ही पैसा लेते हैं आपसे, लाइक वो ट्रू वैल्यू सर्विसेज देते हैं आपको। और कुछ कंपनियों का तो स्लोगन भी होता था कि हमारी टीवी हम इतने जल्दी इंस्टॉल करवा देंगे, ठीक है, बट सच्चाई यही कि उनके पास में टेक्नीशियन है तो ही जल्दी इंस्टॉल हो पाता है, क्योंकि टेक्नीशियन भी प्रॉपरली बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कंपनियां हायर करती है, बाकी सारे फ्रीलांसर ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और उनके पास में कॉल्स जाती हैं, ठीक है, ये भी एक गहरी सच्चाई है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट मैटर की, जो कि है डिस्प्ले। जब भी आप एलईडी लेने जा रहे हो तो एक डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। बेसिकली ए ग्रेड पैनल का यदि आप टीवी देख रहे हैं तो उस पर व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लाइक 180 डिग्री का व्यूइंग एंगल तो आपकी टीवी में होना ही चाहिए यदि आप हॉल के लिए देख रहे हैं तो। और अब बात कर लेते हैं दूसरे डिस्प्ले से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि होता है कॉन्ट्रास्ट रेशो। ये डिसाइड करते हैं कि आपकी टीवी में जो ब्लैक दिखाने की क्षमता है वो कैसी होगी, और ब्लैक बहुत मैटर करता है। बहुत सारी कंपनियां ब्लैक से रिलेटेड ही टीवी पर ऐड दिखाती है कि हमारी टीवी का जो ब्लैक है वो काफ़ी अच्छा है। तो एक मिड रेंज टीवी यदि आप देख रहे हैं तो आपकी टीवी में 1000 से ऊपर का कॉन्ट्रास्ट रेशो होना चाहिए। और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एक मिड रेंज और एक अच्छी टीवी में कॉन्ट्रास्ट रेशो कैसा होता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट रेशो कैसे मैटर करता है। यहाँ पर एक डिस्प्ले में आपको एक इमेज देखेगी, जैसे मैं इसका कॉन्ट्रास्ट रेशो कम करता हूँ तो आप यार देखेंगे कि ब्लैक टोटली चेंज होते जा रहा है, और जैसे ही मैं कॉन्ट्रास्ट रेशो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो आप देखिए ब्लैक एक्चुअल नेचुरल ब्लैक पे आने लगता है। तो एक छोटा सा रेफरेंस होता है कि कॉन्ट्रास्ट रेशो कितना इंपॉर्टेंट है एक एलईडी टीवी के लिए। डिस्प्ले में तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ब्राइटनेस निट। एक अच्छी टीवी की ब्राइटनेस निट स्टार्ट हो जाती है 300 से, 300, 350, 400, और यदि इसके ऊपर है तो और ज्यादा अच्छा है, मतलब यदि ज्यादा भी मिले तो ज्यादा दिक्कत है, बट 400, 450, 500 तक अच्छी ब्राइटनेस निट्स वाली एलईडी टीवी आ जाती है 43 इंचेस में 4K वाली क्वालिटी पे। सेम इम्पॉर्टेंटली ब्राइटनेस को भी आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ही मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो कितना ज़्यादा ब्राइट हो सकता है और कैसे कलर प्रोड्यूस होते हैं। तो ब्राइटनेस भी आपकी टीवी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ऊपर की जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, लाइक ब्राइटनेस, नीट, व्यूइंग एंगल और कॉन्ट्रास्ट रेशो, इसके अलावा यदि आपकी टीवी में HDR मोड है तो ये समझ लीजिए आपके लिए एक बम्पर डील है,
और आपकी टीवी बहुत ही अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगी, मतलब आपकी टीवी बहुत ही अच्छे कलर्स प्रोवाइड करेगी आपको, लाइक सनलाइट वाले सीन, डार्कनेस वाले सीन नेचुरली निकल के आएंगे और कलर इनहेंस होके आएंगे। तो यदि आपको एक बजट ट्रेंड में HDR टीवी मिल रही है तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ जा सकते हैं। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है पहले, इसके अलावा कुछ चीजें और भी मैटर करती है, लाइक उसका रिफ्रेश रेट क्या है और जो कलर प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है उस टीवी का वो कौन सा है। और ये सब सारे क्वेश्चन जब आप एक सेल्समैन से करोगे तो वो जान जाएगा कि आप टीवी के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो। और यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज अब डिस्प्ले तो हो गया, डिस्प्ले के अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है साउंड। क्योंकि साउंड की इंपॉर्टेंस मेरे से अच्छे से कोई नहीं जान सकता। आप मेरे पुराने वाले वीडियोस उठा के देख लीजिए, मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन उठा के देख लीजिए, इतनी गालियां पड़ती हैं कभी कभी साउंड से रिलेटेड कि ऑडियो क्वालिटी सुधारो, ये सब सुधारो। तो साउंड इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन टीवी, चाहे वो ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज हो, चाहे वो टीवी की वीडियो हो। तो जब भी आप टीवी देख रहे हैं तो ये भी चेक करिए कि उसमें ऑडियो कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उसमें ऑडियो से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है, लाइक डॉल्बी विजन है, डॉल्बी एटमोस है, डॉल्बी डिजिटल है, और स्पीकर कौन से हैं। बेसिकली यदि आप हॉल के लिए टीवी देख रहे हैं तो 24 वॉट से ऊपर की LED ले सकते हैं, 20 वॉट भी ओके ओके है। बट जब हम हॉल के लिए टीवी देखने जाते हैं तो हम साउंड सिस्टम भी देखते हैं। तो बेसिकली यदि आप एक अच्छी टीवी देख रहे हैं तो आप डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ में जा सकते हैं, और उसके लिए आपको होम थिएटर भी परचेस करना पड़ेगा क्योंकि टीवी का साउंड इनफ नहीं होता एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए। तो होम थिएटर का रिव्यू आपको ऊपर कहीं पर दिख जाएगा, सोनी के होम थिएटर का मैंने रिव्यू किया जो कि काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी भी टीवी के साथ में, बस आपको डॉल्बी डिजिटल की सेटिंग्स ऑन करनी है, उसका भी आपको शॉट ऊपर कहीं पर मिल जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर टीवी के लिए जो कि होता है सॉफ्टवेयर। जब भी आप टीवी चालू करें तो आपको एक रिच फीलिंग आनी चाहिए और वो सारे कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करें जिसकी मदद से आप आपकी टीवी देखने के एक्सपीरियंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। और आजकल एंड्रॉयड टीवीज आ गए हैं, गूगल टीवीज आ रहे हैं जो कि अपने सॉफ्टवेयर देते हैं, तो बेसिकली गूगल टीवी होना चाहिए और आपको एक ऐसा UI देखना है जो आपके लिए कम्फर्ट हो, लाइक उसकी सेटिंग्स पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाए, जो पिक्चर्स मोड है, जो साउंड्स मोड है, जैसे कि मैंने आपके पुराने वीडियोस में दिखाए थे कि इतने सारे साउंड्स मोड होने चाहिए, आप टोटली ब्लैक को कंट्रोल कर सको, डायनेमिक रेंज को कंट्रोल कर सको। तो एक अच्छे टीवी की पहचान होती है कि उसका सॉफ्टवेयर ही अच्छा हो, क्योंकि हार्डवेयर अच्छा हो चलेगा मगर सॉफ्टवेयर उसकी क्वालिटी को और ज्यादा एनहेंस कर देता है। तो जब भी आप टीवी लें तो उसका सॉफ्टवेयर भी देखें। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक LED टीवी का डिजाइन, क्योंकि डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक LED टीवी में। और मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर पोर्ट्स की प्लेसमेंट को। आप जब टीवी ले रहे होते हैं तो मैनुअली जाके वहां पर चेक करें कि पोर्ट्स की प्लेसमेंट कहाँ है, यदि नीचे की तरफ सारे पोर्ट्स हैं तो उनकी दूरियां कितनी है, क्योंकि यदि आपने एक HDMI लगा लिया तो आपके पास में दूसरी HDMI लगाने की भी जगह होनी चाहिए और उसके बाद में बाकी सारे पिंस का भी आप फायदा उठा सको। ऐसी प्लेसमेंट एक LED टीवी में होनी चाहिए, लाइक जब भी आप सफाई करो और आपको पिन निकालना हो तो आपको हेडिक ना हो उसको निकालने में। तो ये भी मैं एक बेसिक मुद्दा मानता हूँ टीवी परचेस करते समय। ये तो हो गई पोर्ट्स की बात, अब उसका डिजाइन स्लिम होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए और आपके हॉल को एक प्रीमियम लुक भी देना चाहिए। ये भी एक टीवी की अच्छी बात होती है या फिर एक टीवी की क्वालिटी होती है। तो वीडियो इतना लंबा हो गया और मैंने आपको काफी सारा ज्ञान भी दे दिया, तो अब आपको बताने की बारी कि एक टीवी में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, एक मिड रेंज की टीवी में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर लिस्टेड दिख जाएगी और उसका बजट भी कितना होना चाहिए वो भी आपको बाजू में ही दिख जाएगा। तो इस हिसाब से आप आपकी टीवी चूज कर सकते हैं, ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यदि आप ब्रांड ब्रांड करेंगे तो हो सकता है ब्रांड के चक्कर में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ जाए। तो ये था आज की वीडियो का अल्टीमेट गाइड, आप इसको ध्यान में रख के एक टीवी परचेस कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन उठा सकते हैं सेल्समैन से ताकि उसका पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाए और वो आपको जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आएगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, राधे राधे। Oh, 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 oh